हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सेल के बेसिक ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जो 100 में से 10 लोगों को ही पता है। तो आप भी अगर उन 10 लोगों में होना चाहते हो तो हमारा आज का वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर एक डेटाबेस आप देख रहे हैं जहाँ पर विलेज नाम है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम है, व्हीकल्स आरटीओ कोड है और स्टेट है। और ऊपर अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या लिखा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर हम यहाँ पर आए तो आप इसमें डेटा अगर आप देखें यहाँ पर, तो अगर हम एक रो में भी डेटा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेटा हमारा कैसे लिखा है, एंटर करके लिखा है। मतलब जो डेटा है हमारा यहाँ पर, फतेहगंज, फिर लखनऊ, फिर यूपी 32, यहाँ पर फिर यूपी, फिर सहारा, फिर आगरा, फिर 80, फिर यूपी। मतलब डेटा जो हमारा लिखा है इस तरह लिखा है। अब हम चाहते हैं डेटा जो हमारा हो, हमारा एडजस्ट हो जाए किस तरह में, कि जहाँ पर विलेज नाम है वहाँ पर विलेज का नाम आ जाए, डिस्ट्रिक्ट नेम में यहाँ पर लखनऊ आ जाए, यहाँ पर आरटीओ कोड जहाँ पर दिया है तो यहाँ पर यूपी 32 आ जाए, और जहाँ पर स्टेट है वहाँ पर यूपी आ जाए। तो ये हमें अगर हम नॉर्मली करें तो हमें मैनुअल करना पड़ेगा बार बार। मतलब हमें इतना यहाँ से कट करना होगा, फिर यहाँ पेस्ट करना होगा, फिर इसको कट करना होगा, फिर पेस्ट करना होगा, फिर इसको कट करना होगा, फिर इसको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। दोस्तों, डेटा कम हो तो आप आसानी से कर सकते हो 6-7 लोगों का, पर वही डेटा हजारों में है, 10-10 हज़ार में, तो हमारे लिए तो यहाँ पर बहुत लंबा प्रोसेस हो गया जिसमें टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो एक्सेल में ऐसी एक टिप्स है जिसकी मदद से आप आसानी से डेटा इन कॉलम में एडजस्ट कर सकते हो, और सेकेंडों में आप ये काम कर सकते हो जिस काम को आपको ऐसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है डेटा टैब में। डेटा टैब में एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, टेक्स्ट टू कॉलम। इसका काम क्या होता है, जो भी टेक्स्ट में लिखा होता है उसको कॉलम में डिवाइड कर देता है। मतलब जो भी टेक्स्ट में लिखा होता है उसको किस में डिवाइड कर देगा, कॉलम में। देख लेते हैं, आते हैं यहाँ पर सीट नंबर 2 पर। सीट नंबर 2 में अगर आप देखें, डेटाबेस हमने यहाँ पर बना रखा है जहाँ पर फतेहगंज, वही डेटा हमारा है। तो इस तरह में हमारा लिखा है, यहाँ पर क्या दिया, स्पेस, नीचे देखें तो यहाँ पर कॉमा, सेलेक्ट करना है, टेस्ट टू कॉलम में जाना है। यहाँ पर आपको आना है डेलीमीटर में, डेलीमीटेड में, और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर स्पेस दिया था, हमें स्पेस पर टिक लगा देना है और नेक्स्ट कर देना है, फिनिश कर देना है। तो आप देखें जहाँ जहाँ स्पेस के हिसाब से हमारा पूरा एडजस्ट हो गया। उसी तरह नीचे वाले में आए तो यहाँ पर हमने क्या दिया है, कॉमा दिया है। दोबारा से आते हैं, फिर डेलिमिटेड में आते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हमने कॉमा पे टिक लगा दिया। तो आप देखें कॉमा के हिसाब से उसने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ से फिनिश कर दें, तो कॉमा के हिसाब से हमारा एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर आए तो, और हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर ना तो स्पेस है और ना ही हमारा यहाँ पर कॉमा है, तो ये हमारा कैसे हटेगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पर भी करना है आपको, जितना इस तरह का डेटा हो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से उसी ऑप्शन में आना है, टेस्ट टू कॉलम में आना है, और यहाँ पर फिर से उसी में जाना है, डेलिमिटेड में, और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ एक ऑप्शन इन सबसे टिक आपको हटा देना है, आपको टिक किस पर लगाना है, अदर पर। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से खाली एक शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है, Ctrl+J, Ctrl+J आपको प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+J यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर हमारे यहाँ पर कॉलम दिखाने लगा, फतेहगंज, लखनऊ, यूपी 32, यूपी। तो ये हमारा ऑटोमेटिक एक जादू हमारे यहाँ पर हो गया, बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना। ओके, अब अगर आप देखें तो हमारा पूरा डेटा यहाँ पर एडजस्ट हो गया। बस उसके बाद क्या करना है, हमें इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर डबल क्लिक कर देना। तो आप देखें इस तरह से हमारा पूरा डेटा यहाँ पर एडजस्ट हो गया, जहाँ पर विलेज नेम में विलेज नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट नेम में वो नाम आ गए, व्हीकल से हमारा वो आ गया, और स्टेट में हमारा स्टेट नाम आ गया। तो इसका आप भी आसानी से यूज़ कर सकते हो, और जिन काम को करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है उनको आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है कि हाँ, इन सब का काम हमारा इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर अगर आपको आती है तो आपके लिए एक अच्छा रहेगा। इसके लेकर कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने हमारे एक्सेल के पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देख लें। इसी तरह हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।